हेलो फ्रेंड्स, अर्चना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की बहुत ही बढ़िया सी सब्जी, जिसको हम लोग के यहाँ इसको आलू का स्टू बोला जाता है। मैंने आलू को बड़े बड़े आलू को छील लिया है और उसको बड़ा बड़ा काट लिया है, और काटने के बाद बीच में उसको आलू चाकू से घोंप घोंप को थोड़ा छोटा छोटा सा छेद बना लिया है, ताकि आलू में अच्छे से नमक और मसाले का टेस्ट आ जाए। अगर आपके पास छोटा आलू हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। मैंने सरसों तेल को गरम करके उसमें जीरा, तेज पत्ता, लाल मिर्च और थोड़ा सा हींग का तड़का लगा दिया है। उसके बाद मैंने प्याज को डालकर और अच्छे से प्याज को हल्का भून लिया है। भूनने के बाद मैंने एक प्याज का पेस्ट बना करके डाल दिया और उसको भी अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने आलू को डालकर और आलू को प्याज के साथ अच्छे से, आलू जब तक लाल हो गया तब तक मैंने भुना। भूनने के बाद मैंने जीरा, लहसुन, अदरक का पेस्ट बनाकर और डाल दिया। उसके साथ ही मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया डालकर और मसाले को गैस का फ्लेम कम करके और अच्छे से तेल छोड़ने तक भून लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मीट मसाला एक चम्मच इतना डालकर और अच्छे से मसाले के साथ भुना। उसके बाद मैंने उसमें एक गिलास पानी डाला। एक गिलास पानी डालने के बाद मैंने ऊपर से एक प्लेट इतना मैंने धनिया के पत्ती को कट करके और ऊपर से डाल दिया। और डालने के बाद मैंने प्रेशर कुकर को बंद करके उसके बाद एक सीटी लगा ले और प्रेशर को ना निकाले, प्रेशर को अपने आप ही निकलने दे। देखिए अब हमारा सब्जी बनके हो गया है तैयार। सब्जी का कलर कितना सुंदर आया है। और अपने मनपसंद चीज़, रोटी, चावल, किसी भी चीज़ के साथ आप इस सब्जी को सर्व करेंगे तो सब्जी बहुत ही बढ़िया लगेगा। बाय फ्रेंड्स।